Hey guys, what's up? Badri Narang is back with the new video. So guys, welcome back to my channel Badri Fitness. कैसे हो यार आप सब? अच्छे होंगे कार्तिक भाई. Hello guys. तो जो आज की हमारी वीडियो यार एप्स वर्कआउट एट होम और एडवांस एप्स वर्कआउट यार जो आप शोल्डर वर्कआउट के बाद आपने बताया था मैंने कि शोल्डर वर्कआउट के बाद भी आप ले सकते हो, अगर नहीं तो आप संडे को भी ले सकते हो. बट हाँ, वीक में एक दिन एप्स वर्कआउट को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार ये हमारा कोर मसल है. जैसे यार हमारे को लोअर बैक को ट्रेन रखते हैं तो ऐसे ही हमारे को एप्स मसल को भी पूरा ट्रेन रखना है क्योंकि यार जितना आगे हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होगा, कोई सी भी फिजिकल वर्कआउट होता है यार, हैवी वर्कआउट होता है या डेडलिफ्ट होते हैं या स्क्वाट्स होते हैं, तो हमारे काफ़ी जो कोर होता है काफ़ी हेल्प करता है हैवी वेट मारने के. अगर यही आपका वीक होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. और तो और यार, अगर आप टी शर्ट वगैरह उतार रहे हो, अच्छी याद है चेस्ट बनी हुई, बाइसेप्स वगैरह सब कुछ बने हुए, और ये मसल नहीं होगा ना और पेट वेट बाहर निकल रहा होगा, वो मज़ा नहीं आएगा. इसलिए ऐप से हमारा पर्सनैलिटी मसल है, तो टी शर्ट उतारते ही सबसे पहले क्या दिखते हैं, हमारे ऐप्स दिखते हैं. तो इसलिए यार जो मैं आपको वर्कआउट बताने वाला हूँ ये है एडवांस एप्स वर्कआउट. बिगनर की मैं पहले वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ, ये एडवांस है, इसका मतलब अच्छे से ट्रेन करने यार, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है. बिगिनर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वाले आप देख सकते हो. इसके अंदर आ गया थोड़े एडवांस ट्रेनिंग करेंगे और ये पूरा हमारा ऐप्स मसल पूरा अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा और थोड़ी बहुत साइट्स को भी हम ट्रेन करेंगे इसके अंदर. तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट और 200 के सब्सक्राइबर तक यार रीच करने में मेरी हेल्प कीजिए. तो यार चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे. चलो आपको दिखाते हैं अपना. यहाँ नीचे आपको मैट है ही आपके पास घर में, जैसे मैट पे करना है या जैसे भी आपको कहीं पे भी करना है तो अपना आराम से लेटिए. चलो कार्तिक भाई लेटिए. ये एडवांस वाला है, अच्छे से ट्रेनिंग करनी है और पूरे अपने कोर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देना. अपने पैरों को पहले फोल्ड करिए, पहले अपने यहाँ लेंगे हम अपने इसमें फ्लोर क्रंचेस. ठीक है, अपना फ्लोर क्रंचेस ले सकते हैं, अपने पार्टनर की भी हेल्प कर सकते हो, अपने पार्टनर की मतलब हेल्प ले सकते हो, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो ये चलो इसके अंदर साइड्स भी ट्रेंड होती रहेगी और ये पूरे यला कोर आपको पूरा अच्छे से इसमें ट्रेंड होता रहेगा. चलो 1 हाँ दो 2 बहुत बढ़िया 3 परफेक्ट एकदम 4 5 ये 6 7 8 9 10 फिर 5 इधर 11 12 13 14 ये 15 5 इधर फिर 16 17 18 ये 19 एंड 20 रुक जाओ रेस्ट लीजिए. ठीक है, पहले सेट में ही बढ़िया हो गया ना. तीन सेट्स इसके रखते हुए अपना जैसे अपना इसका तीन सेट्स मतलब कंटिन्यू मतलब चलाना है इसको, ये कंप्लीट हो के फिर आपको लेनी है लेग रेस, फिर लेग रेस का गली लेंगे एंड जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो क्रंच किक्स लेंगे. जब हमारा पूरा ये इसको बोलेंगे एक सेट, ऐसे हमारे को टोटल खाली 3 सेट्स रखने हैं. तो सेकंड मतलब जैसे ये कंप्लीट होने के बाद आप फ्लोर क्रंचेस कंप्लीट होने के बाद आपको लेनी है लेग रे. चलो लेग रे पैर में रख लो यार, नॉर्मल आप ये कर रहे हो ये इजी हो जाती है यार थोड़ी. इसको मार को थोड़ा सा हार्ड करना है, इसको हार्ड करने के लिए अपने पार्टनर की हेल्प लेते हो, उसको नीचे की तरफ पुश करो. 4 चलो 5 6 7 चलो 8 कर सकते हो 9 10 11 अरे हार्ड नहीं माननी 12 13 ये 14 ये 15 माइंड नहीं थकना चाहिए यार, माइंड थक गया तो समझ लो हमारी बॉडी थक गई है ना. उसको अभी खाली देखो थोड़ी सी करी है. तो ये एडवांस है यार, अगर आपको लगता है कि आपका टमी फैट वगैरह ज़्यादा है यार, कोई भी कर सकता है यार. इसकी एज यार बॉडी बनाने की कोई एज नहीं होती कि मैं 35 साल का या 40 साल का बॉडी बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, कोई भी बना सकते हो. पेट वेट अगर ज़्यादा भार है तो ट्रेनिंग करो, बढ़िया कम वम हो जाएगा. ये सेकेंड वर्कआउट कम्प्लीट होते ही हमारा थर्ड वर्कआउट होगा. चलो ये लगाओ करते, चलो 1 2 3 बहुत बढ़िया 4 5 6 7 पूरा नीचे जान दो 8 9 10 कर सकते 11 12 13 ये 14 ये 15 बस रख दीजिए. ये ली जो एक्सरसाइज है हमारे लोअर के पूरी वी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल करती है यार. जो हमारे नीचे पूरा वी कट आता है ना, लोअर एब्स के पूरे जो वी कट, ये इसके लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है. पूरा था ना फैक्टर, देखो कुछ चीज़ें होती है हमारा पूरा ये ऐप्स का एक मसल है. जैसे हम फ्लोर क्रंचेस करते हैं तो ये चीज़ हमारी अच्छे से इसमें ट्रेंड होती रहती है, उधर इसका इफेक्ट नहीं आता. जब हम लेग रेस ट्रेंड करते हैं, लेग रेस जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें पूरा लोअर अच्छे से हमारा ट्रेंड होता रहता है. ऐप्स का मसल पूरा जैसे एक है ना, पर इसके अंदर जैसे वेरिएशन डालते हैं. जैसे चेस्ट के अंदर होती है, अपर चेस्ट ट्रेंड करने के लिए हम इंक्लाइन बेंच करते हैं, ये मसल ट्रेंड करने के लिए डिक्लाइन. तो इस तरीके ही ऐप्स को पूरा ट्रेंड करने के लिए फ्लोर क्रंचेस करेंगे तो ये ट्रेंड होता रहेगा, जब लेग रेस करेंगे तो ये मसल ट्रेंड होगा. इस तरीके से ये तीन एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही जो हमारा फोर्थ वर्कआउट होगा, जो हमारा लास्ट वर्कआउट होगा, चलो क्रंच किक्स है ये लाओ अच्छे से पूरा, यहाँ तक लाओ पूरा और पूरा आगे जाओ इसको 1
ये पूरा लाए, ये टू बहुत बढ़िया, ये पूरा थ्री, ये फोर, ये पूरा आ गया था, ये फाइव बहुत बढ़िया, ये सिक्स परफेक्ट एकदम, सेवन एट नाइन टेन इलेवन आन दो ट्वेल्व तीन और, ये थर्टीन, ये फोर्टीन, ये फिफ्टीन, बस रखिए ये चारों कंटिन्यू एक्सरसाइज आपकी इसमें चलेंगी यार, चारों कंटिन्यू एक्सरसाइज चलेंगी आप इसके यार। देखो स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप बिगिनर भी हो तो इसका बस एक पूरा कंप्लीट सेट करके रख देना, दो या तीन हफ्ते बाद दो सेट्स करने की कोशिश करना, मतलब सारे के दो सेट। अगर आप ओवर एडवांस हो चुके हो तो तीन सेट, जैसे मैं अपने तीन सेट्स रखता हूँ, तीन कभी कभी दो सेट्स इस तरीके से रखता हूँ। ये चार चार पाँच पाँच सेट नहीं मार सकते यार इसके, इतनी मार की जरूरत नहीं। ये सब कंप्लीट करने के बाद यार अपना डंबल उठाइए और डंबल से करेंगे थोड़े बहुत साइड्स को ट्रेन, क्योंकि देखो जब ये चीज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसके साथ में थोड़ी बहुत साइड्स को भी ट्रेन करेंगे। एक एक्सरसाइज सबसे बेस्ट डंबल की यही होती है, अपना डंबल्स को पकड़ते हैं, ये वन ये टू पूरा अच्छे दो, ये थ्री ये फोर। इसके अंदर लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि पैर कितने अंदर रखने हैं, पैर कितने बाहर रखने हैं। अपना नॉर्मल यार हल्के से यार जो हमारे शोल्डर पोजीशन होती है उससे हल्के से बाहर की तरफ रखते हुए ये जाना है, वन पूरा नीचे, ये टू ये थ्री ये फोर, ये देखो करके देखो कार्तिक भाई, आपको भी लगेगा कि पूरी आपकी साइड्स पूरी, यहाँ पे अगर साइड फैट भी है जिसको हम बोलते हैं टायर, वो भी मालिश करना मसल्स इसमें पूरा कवर हो जाएगा। वन ये जान दो, टू हल्के से पैर को खोलिए, थ्री हाँ चलो, फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन एंड ये टेन रख दीजिए, हाँ ना इधर आ रहा है ना पूरा फैट। तो बस यार इतनी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत है। और फिर बात आ जाती है न्यूट्रिशन की, खाली एब्स वर्कआउट और खाली चेस्ट मारते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ मार्को दिन में अच्छा न्यूट्रिशन भी चाहिए, अच्छी लो कार्ब्स डाइट भी चाहिए, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट भी चाहिए, हाई फाइबर डाइट भी चाहिए, तभी मसल में क्वालिटी आएगी, मसल में क्लैरिटी आएगी। अगर आप वेट लॉस पे कर रहे हो तो उसके अंदर लो कार्ब्स रखने पड़ेंगे, इस तरीके से होता था। आपने न्यूट्रिशन भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, वर्कआउट अपनी जगह, वर्कआउट मसल बिल्ड करेगा और डाइट आपको ग्रो करेगी इसको। सो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए वीडियो। बस यार मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना प्यार बस देते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।